नमस्कार, ओम शांति। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रातः काल से ही भक्त भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल, दूध और चंदन लेकर नंगे पांव ही घर से निकलते हैं। आस्था का खुमार और भोलेनाथ का जयकारा इस कदर भक्तों के सर चढ़कर बोलता है मानो जैसे भगवान शिव ने अवतरित होकर अपने भक्तों का आह्वान कर दिया हो। ऐसे में भक्त भी पूरी श्रद्धा से अपने परमात्मा की भक्ति में स्वयं को झोंक देता है। लेकिन क्या गुह्य राज है इस भावना के पीछे? आखिर क्यों देवों के देव महादेव शिव की इतनी महिमा है? क्यों देवी देवताएं भी उनका आह्वान करते हैं? और क्या आप जानते हैं हर धर्म में भी निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव को ही ईश्वर अल्लाह गॉड माना गया है? कैसे, ये जानेंगे इस खास पेशकश में। दुनिया के सभी धर्म शास्त्र एक ही परम शक्ति की बात करते हैं। सभी धर्म के लोगों का यही मानना है कि वो परम सत्ता एक ही है, ईश्वर अल्लाह भगवान परमात्मा वो एक ही है। लेकिन पूछा जाए कि वो एक कौन है तो जवाब में खामोशी के सिवाय कुछ हासिल नहीं होता। किसी ने श्री कृष्ण, श्री राम, साई बाबा को भगवान माना तो किसी ने जीसस क्राइस्ट को अपना गॉड माना, किसी ने गुरु नानक को ईश्वर कहा तो किसी ने गौतम बुद्ध या हिंदू धर्म के अनेकों अनेक देवी देवताओं को ही परमात्मा माना। वास्तव में गॉड इज वन, बट हु इज वन? चलिए अब इस तथ्यों के आधार पर हम जानते हैं कि वो एक परमात्मा कौन है। पहला, परमात्मा वही है जो सर्वधर्म मान्य है, यानी जिसे हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्धी, सभी धर्म मानते हों। अगर हम श्री कृष्ण, श्री राम या अन्य देवी देवताएं या क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट को परमात्मा कहें तो ये केवल अपने अपने धर्मों की मान्यताओं में ही है। अन्य धर्म इसको प्राथमिकता नहीं देता, अर्थात इसको स्वीकार नहीं करता। ईश्वर निराकार है, क्या यह मान्यता सर्वधर्म मान्य है? तो जवाब में जी हाँ, क्योंकि परमात्मा के निराकार स्वरूप को ही सभी धर्म वाले मानते हैं। पहला, क्रिश्चियन धर्म में परमात्मा को लाइट कहा गया है, हिंदू धर्म में परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम कहा गया है, मुस्लिम धर्म में परमात्मा को नूरे इलाही कहा गया है, वहीं सिख धर्म में गुरु नानक ने स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की महिमा की है। परमात्मा एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल मूरत, अजोनी है। कुछ लोगों का मानना है कि परमात्मा का ना नाम है ना कोई रूप है। अब भला आप खुद सोचिए कि नाम और रूप के बिना संसार में कोई चीज है? जैसे हवा को ही ले लीजिए, हवा दिखाई नहीं देती है लेकिन फिर भी उसका स्वरूप, उसका नाम तो है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा का कोई स्थूल रूप ना होने के कारण उन्हें निराकार कह देते हैं, जबकि वास्तव में परमात्मा का स्वरूप आत्मा के जैसे ही सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है और उनका नाम है शिव, जिसका अर्थ ही है परम पवित्र और कल्याणकारी। अब हम जानेंगे परमात्मा से जुड़े कई और रहस्यों को जिनसे अभी तक हम अनभिज्ञ रहे हैं। आज मंदिरों में भक्त जागरण भी करेंगे, व्रत भी रखेंगे, परमात्मा से मिलन का आह्वान भी करेंगे, लेकिन यदि परमात्मा शिव का संपूर्ण ज्ञान ही ना हो तो भला मिलन कैसे होगा? हमें पता ही ना हो वो कौन है और वे हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? हम आपको उनका सत्य ज्ञान देना चाहते हैं। वे सत्यम शिवम सुंदरम हैं, इस सृष्टि के बीज हैं, निराकार हैं, सूक्ष्मति सूक्ष्म हैं। उनका कोई देहधारी स्वरूप नहीं है। जिस महादेव शंकर को हम दिखाते हैं वे महादेव हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों का भी रचने वाला निराकार शिव है।